हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर। मैं हूं आपकी अपनी रोहिणी भगत गुप्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबसे बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूं पानीपुरी व्लॉग के लिए, क्योंकि पानीपुरी का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा है। इन 5 डेज इट हैज़ क्रॉस 10K व्यूज़। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स अपॉन अस। आई लव यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये व्लॉग, जो कि है ट्रेन शॉपिंग हॉल। एज एन आप सब ने मुझे पूछा कि शॉपिंग के वीडियोस डालिए, हॉल वीडियोस डालिए एंड ऑल। तो बेसिकली मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि शॉपिंग अगर वर्ड है तो ये हॉल क्या होता है। ओके, तो अगर आप सबको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डज हॉल मीन इनटू दिस शॉपिंग वीडियोस एंड ऑल। आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा ये व्लॉग। आज मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी एंड मैं ट्रेन से जा रही थी। सो यू नो ट्रेन्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ज्वेलरीज या फिर क्लिप्स या फिर हेयर बैंड या फिर कुछ होम यूजफुल आइटम्स, ये सब सेलिंग होते रहते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही देख रही थी एंड आई केम अक्रॉस सम ब्यूटिफुल ईयरिंग्स, हेयर बैंड्स एंड अपॉन दैट मैंने कुछ एक दो और चीज़ें ली है, तो मैं डेफिनेटली आप लोग को दिखाना चाहूँगी। ऑफ कोर्स मैंने वहाँ पर ख़रीदते हुए व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन आपको ट्रेन्स के कुछ सीन्स में ज़रूर दिखा रही हूँ। तो देखा आप लोगों ने ट्रेन में कैसे सब आता है सामान, एंड वी लेडीज़ एस्पेशली गेट सो मच एक्साइटेड टू बाय दोज थिंग्स, राइट। तो आज मैं आपको वैसा ही कुछ दिखाने वाली हूँ कि मैंने ट्रेन में क्या क्या शॉपिंग की एंड कितने कितने रुपए की। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मैंने लिटरली बताऊँ तो मैंने बहुत कुछ ख़रीदा है एंड बेसिकली ज्वेलरी में बहुत कुछ ख़रीदा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सी लुक एट दिस, राइट। सो ये क्या है, ये सब कितने के आए, आई डेफिनेटली लेट यू नो। आगे तक बरकरार रहिएगा इस वीडियो में, ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को योर स्टडी नेक्स्ट डोर, आपकी अपनी रोहिणी भगत गुप्ता। सबसे पहला है ये क्यूट सा हेयर बैंड। ओके, सो इट हैज़ 3 स्टार्स एंड ये सच में बताऊँ कहीं से भी डिफेक्टिव नहीं है एंड आप लोग मानोगे नहीं ये कितने का है। अगर आप लोग को कुछ आइडिया होगा कि ये हेयर बैंड कितने का है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं ही बता देती हूँ, ये हेयर बैंड मैंने लिया था 80 रुपीज़ का। इमेजिन 80 रुपीज़, एंड कम करके उन्होंने खुद ने मुझे सामने से 70 रुपीज़ में करके दिया। सो इमेजिन दिस लवली हेयर बैंड फॉर 70 रुपीज़, इट्स वर्थ इट गाइज, इट्स सीरियसली वर्थ इट। चलिए मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने ये हेयर बैंड लिया था मेरी एली के लिए, बट मेरी एली नक्छड़ी बहुत हिलती डुलती है, तो हेयर बैंड उसके सिर पर टिक ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा इसे मैं ही यूज़ क्यों ना कर लूँ। तो कैसे लग रहा है गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगला आइटम है नथ। महाराष्ट्र गर्ल्स जो नथ पहनती है, वो जो नोज रिंग होता है उसे नथ बोला जाता है। उसमें मैंने कुछ 4 या 5 वैरायटीज़ ली है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यू नो गाइज, आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है क्या कि आप शॉपिंग तो कर लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन घर आने के बाद यू फील लाइक बस इतना ही और करना चाहिए था यार, है ना। तो ऐसा कभी अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी ज़रूर बताइए क्या, क्योंकि ये मेरे साथ हर बार होता रहता है। ओके मुझे ये सच में बड़ी पसंद आई है। तो दिस इज़ द फर्स्ट नथ, बहुत खूबसूरत है। सेकेंड आइटम इज़ दिस, सो दिस इज़ अ सिल्वर नथ। फोकस आजा, फोकस, दिख रहा है आप लोग को। तो ये एक नथ है, पर्ल पिंक एंड वाइट पर्ल काइंड ऑफ नथ। ये भी बहुत खूबसूरत है ना। जैसे कि आप लोग को पता है मैं नथ बहुत सारी पहनती हूँ, बीइंग अ महाराष्ट्रियन गर्ल आई लव टू वेयर नथ। तो ये एक नथ है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। क्या पता आप लोग को दिख रही होगी कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो टोटल ऐसे मैंने 4 नथ लिए थे, 4 नोज रिंग्स लिए थे मैंने एंड ये सच्ची में मुझे बहुत पसंद आए थे। एंड चलिए मैं आपको इसके प्राइजेस बता देती हूँ। तो ये हर एक नथ आपको पड़ती है 20 रुपीज़ की,
इमेजिन गाइस, किसी भी आप बड़े शोरूम में जहाँ पर कॉस्मेटिक्स वगैरह मिलते हैं, जहाँ पर ज्वेलरीज एंड ऑल ऐसे इमिटेशन ज्वेलरीज मिलते हैं, वहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको 45-50 रुपीज़ के अंडर कोई भी मिनिमम छोटा सा नथ भी नहीं मिलेगा, छोटा सा नोज रिंग भी नहीं मिलेगा। बट दिस इज़ 20 रुपीज़ गाइस, 20 रुपीज़। एंड मुझे लगा था कि कसम से अगर अभी मेरे पास इतने सारे पैसे होते ना, मैं सारी की सारी खरीद लेती, इतनी अच्छी डिज़ाइंस थी वहाँ पर। तो उन सब में से मुझे ये सारी बेस्ट लगी जो कि मैं खरीद पा रही थी उस टाइम पर। तो ये 20 रुपये की एक नत मैंने चार ली है, मतलब 80 रुपीज़ यहाँ पर हो गए। तो चलिए आपको बताती हूँ अब मैं नेक्स्ट आइटम। हमारा नेक्स्ट आइटम है ये इयर रिंग। ओके, तो अब हम आ रहे हैं इयर रिंग सेक्शन पर, शायद से आप लोग का दिख रहा होगा। तो ये इयर रिंग है, इसका पैटर्न ऐसा दिखा रहा है कि एक ऊपर पहन सकते एक नीचे, बट नहीं, ये दो कान की इयर रिंग्स है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। एंड इसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊँ तो इसकी भी कॉस्ट 20 रुपीज़ है। इमेजिन गाइज, 20 रुपीज़, आई जस्ट लव इट। तो ये है एक तरीके का झुमका, चाहिए तो मैं आपको ना ओपन करके दिखाती हूँ। मैं जैसे ही लेकर आई हूँ ना, मैंने उसे वैसे ही रखा है, मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही मैं इन सब का ना ओपनिंग ऐसा उद्घाटन करूँगी। तो गाइज, ये रहा वो झुमका लुक। कैन यू इमेजिन, दिस इज़ ऑल्सो फॉर 20 रुपीज़, इजंट इट ब्यूटिफुल। सो नेक्स्ट हम आते हैं इस इयर रिंग पर, जो इयर रिंग्स मैं ओपन करके दिखा सकती हूँ ओपन कर देती हूँ। सो ये बहुत सिंपल सी रिंग टाइप इयर रिंग है, एंड इट हैज़ वेरी नाइस एंड क्यूट यूनिक डिज़ाइन अपॉन इट। ये 30 रुपीज़ की थी। दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रेडिशनल इयर रिंग जो कि मुझे इतनी पसंद आई, किसी साड़ी पर पहनने के लिए या किसी ड्रेस पर पहनने के लिए, सलवार कमीज पर पहनने के लिए बहुत सुंदर है। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल इयर रिंग एंड ये आपको मिलेगी 20 रुपीज़ में। नेक्स्ट है ये क्यूट टाइप लाइक जस्ट हैंगिंग इयर रिंग, तो ये आपको मिलेगी 20 रुपीज़ में। दिस इज़ अ क्यूट राउंड शेप ब्लैक कलर, लाइक ना डायमंड टाइप ऑफ रिंग है, तो ये मुझे मिली 20 रुपीज़ में। इमेजिन गाइज, इस तरीके की इयर रिंग्स 20 रुपीज़ में मिलना हम लेडीज़ लोगों के लिए एक, सच्ची बताओ, एक शॉप में जाकर ख़रीदने जैसा तो एक सपने जैसा है, बट ट्रेन में हमारा ये सपना ज़रूर पूरा होता है। एंड इनकी क्वालिटी सच बताओ तो बहुत अच्छी है, एक भी पीस डिफेक्टिव नहीं है, एक भी नहीं, सीरियसली। तो ये है अगला, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। एंड इस डिज़ाइन को तो लाइक बहुत सारे लोग ऑफकोर्स जानते ही होंगे, ऑफकोर्स सब कुछ आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। तो इयर रिंग्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इयर रिंग्स है, और इन सातों के साथ इनमें से एक ही इयर रिंग है जो कि 30 रुपीज़ की थी, और बाकी के सारे 6 20 रुपीज़ के हैं। सो इमेजिन गाइज, लेडीज, इजंट इट अ गुड डील। मैं आप लोग को सारी इयर रिंग्स पहन के दिखाऊँ? ओके, चलेगा, पहन के दिखाती हूँ। आपको पता ही है कि मेरे विंडो में कैसे बर्ड्स आते हैं, और ये बर्ड्स आजकल देखने कहाँ मिलते हैं, लेकिन मेरे विंडो में बहुत आते हैं, बहुत। एक मिनट में आपको दिखा भी देती हूँ। पैकेट्स खोलने में ही मेरी शामत हो रही है। तो चलिए गाइस, अब ट्राई करते हैं सारी इयर रिंग्स। तो ये रही हमारी फर्स्ट इयर रिंग। तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये इयर रिंग। ये आप किसी भी लाइक जीन्स पर पहन सकते हो, एंड लाइक कुर्तीज़ जो होते हैं उस पर पहन सकते हो। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी लाइक यू नो, बहुत हल्की है। तो जिनको लाइक हैवी इयर रिंग्स पहनने की आदत नहीं है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है, जैसे कि मैं। सो चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट इयर रिंग। तो नेक्स्ट है हमारी ये यूनिक सी पैटर्न वाली रिंग इयर रिंग, तो इसे ट्राई करते हैं। तो ये रही, तो चलिए अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट इयर रिंग। सो नेक्स्ट इयर रिंग है ये झुमके, जो कि मुझे झुमके का इतना शौक है, आई जस्ट लव टू वेयर झुमके। और ये अगर मुझे मौका मिले, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, तो मैं इन झुमकों को, इन डिज़ाइंस को सच्ची में गोल्ड में बनवाना चाहूँगी, सीरियसली।
भगवान करे मेरी ये इच्छा जरूर पूरी हो एक दिन। वाओ, आई एम जस्ट लविंग इट। व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट इट? तो चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट ईयरिंग। सो नेक्स्ट ईयरिंग है ये ट्रेडिशनल वाली। वाओ, दिख रहा है आप सबको? तो चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट ईयरिंग। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं ये वाली ईयरिंग। लुक एट दैट गाइस, कैजुअल वेयर के लिए ये कितनी प्यारी ईयरिंग है, यू नो, क्लासी है। कितनी डेली वेयर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी नाइस। चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट ईयरिंग। नेक्स्ट है ये क्यूट से बहुत ही सिंपल टॉप रिंग ईयरिंग्स। वेरी सिंपल, मतलब आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने ईयरिंग पहनी है। इतनी प्रिटी है ये और मुझे तो बहुत ही पसंद है। बहुत सिंपल हो, बहुत यूनिक हो एंड बहुत लाइक इजी टू वेयर हो, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई। अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट डिज़ाइन। अब ट्राई करते हैं ये वाली डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन में मुझे अब भी पता चला है, जैसे ही मैंने पैकेट ओपन किया, आपको ये वाला पोर्शन अलग से मिल जाता है एंड ये पीछे वाला जो पोर्शन है वो अलग होता है। इट मीन्स आपको 2-in-1 ईयरिंग मिल जाती है। लुक, चलिए इसे ट्राई करते हैं। सॉसम यार, ये दो चीज़ पता ही नहीं थी। मतलब छोटे का छोटा भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर बड़ा पहनना है तो बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। लविंग इट, इज़न्ट इट प्रिटी? अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ ये वाला एरिया भी पहन सकते हो और बिना इसके, या फिर इसको भी अटैच कर लो। माय गॉड, आई एम जस्ट लविंग इट। तो हमारी सारी ईयरिंग्स ट्राई करके हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या, एक और चीज़ मैंने ली थी जो कि मुझे थोड़ी सी यूज़फुल लगी, तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखा देती हूँ। पहले इसे निकाल लेती हूँ। अगली चीज़ जो है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो कि मैंने ट्रेन से ख़रीदी थी, वो है ये। ये कोई वॉलेट एंड ऑल नहीं है, इसके भी हम 2 टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो इसके अंदर है एक बैग कवर, बैग कवर, इमेजिन, वो भी वाटरप्रूफ बैग कवर। एंड आप मानोगे नहीं मुझे ये कितने में मिला। सी द इलास्टिसिटी, इतनी अच्छी है इसकी। एंड आपको यहाँ पर हैंडल्स भी मिल जाता है, लाइक ये लुक। तो बहुत अच्छे से आप आपके बैग्स को पैक कर सकते हो। एंड आप मानोगे नहीं कि ये चीज़ है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। Imagine 50 rupees. Look at the quality and look at the elastic. Very comfortable and very nice. Just zip laga and then we are done. So here it is, my waterproof back cover and of course mobile cover. So kaise laga guys aapko ye train shopping haul video? Do let me know in the comment section. Guys, total 300 rupees lage. Imagine 7 earrings, 4 nose rings, 1 back cover waterproof and 1 hairband. लव इट। तो गाइज, आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैं ट्रेन में शॉपिंग करते समय क्यों नहीं वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये शॉपिंग हॉल का जो वीडियो है वो सूचा ही जब मैं रिटर्न आ रही थी और जब मैं ये सब सारी शॉपिंग कर चुकी थी, तो इसीलिए प्लान ज़रा सा ड्रॉप करना पड़ा। सो गाइज, चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। डू लेट मी नो कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, ये मेरा व्लॉग कैसे लगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सेंड मी अ हार्ट इफ यू लव मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल योर स्टडी नेक्स्ट डोर। मैं आपकी रोहिणी भगत गुप्ता इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। बाय टेडियंस, बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।